नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भाजपा नेत्री और टिकटॉक फेमस सोनाली फोगाट की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा है कि हर व्यक्ति को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं उनके विरुद्ध सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। सुनीता दुग्गल ने आज रतिया में नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत करने के सिलसिले में यहाँ आई हुई थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जो महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, साथ ही किसी को भी कानून भी हाथ अपने हाथ में लेना नहीं चाहिए। वहीं उन्होंने भारत चीन तनाव पर बोलते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी तरह से सक्षम है और ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए किसी और भी प्रकार से किसी को हक नहीं मारने दिया जाएगा। भारत के सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि रतिया में नशे की प्रवृत्ति को देखते हुए नशा मुक्ति बहुत ही आवश्यक था। फिलहाल 2 दिन के लिए OPD शुरू की गई है और यहां पर आने वाले दिनों में ये पूरी तरह से व्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसकी लंबे समय से लोग मांग कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, अटल किसान मजदूर कैंटीन, जिसका आप लोगों ने ध्यान हो कि हमने फतेहाबाद में उद्घाटन किया था। तो आज उसका उद्घाटन एक सिरसा में भी था और इसके साथ साथ सब डिवीज़न हमारे टोहाना में भी उसका उद्घाटन था। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये बनी है, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने सब डिवीज़न लेवल पर भी जो है ये अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है इनका उन्होंने जो है प्रोविज़न रखा। और इसमें आपको पता ही है कि किस तरह से 10 रुपये की जो थाली है उसमें हमारे किसान भाई और मजदूर भाई जो है वो खाना खा सकते हैं। और मेरी कोशिश है कि बहुत जल्द जो है वो नरवाना में भी ये फाइनल हो जाएगा, नरवाना में भी हम इसका उद्घाटन करेंगे। तो इसके साथ साथ ही पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जनसंवाद जो हमारा एक किसान भाइयों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रतिया में भी और सिरसा में भी जो जनसंवाद था किसान भाइयों का, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पर आए थे और जब यहाँ बैठकर चर्चा हुई सबसे, तो मैंने उनके सामने ये रिक्वेस्ट रखी कि हमारी जो रतिया की जो महिलाएँ हैं, हमारी माताएँ बहनें हैं, 2014 में जब मैंने यहाँ से असेंबली का चुनाव लड़ा था तो उस समय उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बहन जी हमारे यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे में ग्रस्त हैं। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो पहले भी मैं काफ़ी बार उनको जो है रिक्वेस्ट कर चुकी थी, लेकिन अब आए हुए थे तो मैंने उनको कहा कि आप आए भी हुए हो और जो हमारा यहाँ का जो हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल, उसके बिल्कुल बगल में जो वेटनरी हॉस्पिटल है वो खाली पड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम उस जगह का सदुपयोग करें और यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए जो है डी एडिक्शन सेंटर बनाएं, ताकि जो है वो रतिया से फतेहाबाद के लिए उनको ना जाना पड़े और यहाँ पर ही रहकर जो है वो अपने आप को ठीक करें। तो उन्होंने मेरी बात को जो है वो माना और उसी समय उन्होंने जो भी अधिकारी हैं, CMO हैं, DC साहब, उन सब के सामने बात करके उन्होंने कहा कि आप इसको फाइनल करो और उसके बाद आप मंडे और ट्यूसडे को जो यहाँ का हॉस्पिटल है उसके अंदर जो है इसकी OPD स्टार्ट हो गई है और यहाँ का प्रपोजल जो है वो भी आगे भेज दिया है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है वो प्रपोजल फाइनल होकर और सिविल हॉस्पिटल के पास में जो जगह है वहाँ पर हमारा डी एडिक्शन सेंटर जो है वो ग्राउंड लेवल पे भी बिल्कुल बनकर तैयार हो जाए। CM साहब की उसके अंदर जो है वो हामी है और इधर से जो कागज जो है वो भी चल पड़े हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल रूप भी लेगा, लेकिन इन द मीन टाइम जो है यहाँ पर 2 दिन की OPD शुरू कर दी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर चाहते हैं कि वो नशा छोड़ें और हम दिल से चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशा छोड़ें तो यहाँ पर आकर अपनी OPD में डॉक्टर को दिखा सकते हैं। काफी तनावपूर्ण स्थिति हो गई है, इसको लेकर क्या करें? देखिए, पूरी नज़र जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी भी, जो CDS हैं हमारे, उन सब की पूरी नज़र उस पर बनी हुई है। हमारे सैनिक जो है मुस्तैदी से वहाँ पर खड़े हैं और किसी भी कीमत पर जो है हम लोग वहाँ से अपने हक को जो है वो किसी को मारने नहीं देंगे। हम किसी का हक नहीं लेते, लेकिन हमारा हक भी अगर कोई लेता है तो हमारे सैनिक जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो सरहद पर लगते हैं। चाइना जो है भारत की सीमा में घुसकर जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, देखिए LAC है, LAC में आपको मालूम ही होगा कि वहाँ पर कोई एक जो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं होती है। वहाँ पर LAC में जो है अपना ये माना जाता है कि ये हिस्सा हमारा है, ये हिस्सा हमारा है। तो ये बहुत पुराना ये मामला चला आ रहा है, लेकिन हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत मुस्तैदी के साथ वहाँ खड़े हैं और किसी भी कीमत पर जो है वो अपनी एरिया की एक भी इंच जमीन जो है वो हम ऐसे नहीं जाने देंगे।
के जो ऊपर चक्कर कांड में देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे, आप लोगों ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि कानून अपना काम करेगा और जहाँ कहीं जो भी जो दोषी पाया जाएगा कानून के हिसाब से तो उस पर कार्रवाई होगी। क्या महिला ने इस तरह के जो चक्कर कांड ये जो किए हैं, क्या लगता है कैसे होना चाहिए? देखिए ऐसा है कि ये हर किसी इंसान का अपना पर्सनल जो है उनका रिएक्शन एक्शन रिएक्शन होता है। तो मैंने तो पहले भी इस पर टिप्पणी मैं कर चुकी हूँ कि अगर कोई महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह की बदतमीजी करे, किसी भी तरह का गलत व्यवहार करे, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको जो है पब्लिकली उसका बहिष्कार होना चाहिए। लेकिन कानून भी हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें कानून के ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमें न्याय प्रक्रिया है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए।